TechTraps। मैं वही आपकी पुरानी दोस्त समीरा आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ क्रिप्टो फिल्टर्स के एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ही तरह सोशल मीडिया यूज करने के शौकीन हैं, तो आप रोज बी यूनिक जैसे चीजों से वाकिफ होते होंगे। सोशल मीडिया में हर कोई हमेशा यूनिक होने के लिए ही कहता है। इस दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में यूनिक होने के बड़े फायदे हैं। आज की वीडियो एंड तक देखो, समझ जाओगे। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में वो फायदा है NFT, बैंक खाते वाला NEFT नहीं, क्रिप्टो वाला NFT। दोस्तों, NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल वो चीज है जो यूनिक है और इसे किसी भी चीज से बदला नहीं जा सकता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के कुतुब मीनार को हैदराबाद का चार मीनार से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों अपने में दो यूनिक चीजें हैं और दिल्ली और हैदराबाद के लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगेगा। दूसरी तरफ बात करें तो हमारी इंडियन करेंसी और यहाँ तक कि बिटकॉइन फंजिबल है, यानी कि एक बिटकॉइन के बदले या फिर एक इंडियन रुपीस के बदले दूसरा बिटकॉइन या इंडियन रुपीस ले सकते हैं, और वही सेम बहुत से लोगों के पास है, यानी कि बिल्कुल यूनिक नहीं है, लाइक चार मीनार और कुतुब मीनार की तरह। ऐसे ही यूनिक चीजों की ओनरशिप के लिए नॉन फंजिबल टोकन 2015 में इथेरियम द्वारा लॉन्च किया गया। जो भी इंसान वो यूनिक चीज का ओनर होगा या उसे खरीदेगा, उसे वो टोकन मिल जाएगा। अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह NFT भी ब्लॉकचेन पर ही काम करती है। अब ब्लॉकचेन क्या है, ये तो हम आपको पहले की वीडियो में बता ही चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। nonfungible.com के अनुसार 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ही NFT के पूरे $2 बिलियन से अधिक सेल्स बढ़ चुकी है। अपने देश की बात करें तो ये इंडिया के सेलेब्स में काफी पॉपुलर हो रहा है। क्रिकेटर्स जैसे कि ऋषभ पंत, लैक्मे फैशन वीक, यहाँ तक कि बॉलीवुड के शहंशाह और हम सबके चहेते अमिताभ बच्चन भी इससे जुड़ चुके हैं। सूत्रों की माने तो बहुत से और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इससे आकर जुड़ने वाले हैं। अच्छा, बॉलीवुड से याद आया, वेलकम मूवी तो आप सभी ने देखी होगी। उस मूवी के ही कुछ किरदार और सीन से NFT को समझते हैं। उसमें से कुछ किरदारों का जिक्र तो हम पहले भी अपने वीडियोस में कर चुके हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वेलकम मूवी में एक सीन है जहां मजनू भाई अपना आर्टवर्क बेच रहे होते हैं। अब मान लेते हैं वो डिजिटल आर्टवर्क एक पेंटिंग है। अब इसमें कोई शक नहीं कि वो पेंटिंग यूनिक है या वन ऑफ इट्स काइंड है, इसलिए मजनू भाई ने उसे NFT में कन्वर्ट करने का सोचा, और लकीली उन्हें एक मिस ऐशिका मिल गई। अब हालांकि ऐशिका उस पेंटिंग की ओनर हो गई है, पर मजनू भाई उसे वह पेंटिंग नहीं देंगे, बल्कि उसकी बजाय उन्हें मिलेगा NFT, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, जो मजनू भाई की पेंटिंग रिप्रेजेंट करता है। इस टोकन में होगा यूनिक नंबर यानी कि हैश, टोकन नेम और टोकन सिंबल का यूनिक कोड। अब ये NFT ब्लॉकचेन में ऑलरेडी स्टोर्ड था जब मजनू भाई ने इसे बनाया था। अब जैसे ही मजनू भाई ऐशिका को वो NFT बेच देते हैं, तो ऐशिका का नाम और वो पेंटिंग कितने में बेची है और किसने बेची है, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर फ्यूचर में ऐशिका ये किसी और को भी बेच देती है, तो उस करंट ओनर की भी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, आपने एक चीज पर गौर तो किया है कि वो पेंटिंग ना ही ब्लॉकचेन में है और ना ही NFT में। ऐशिका के ओनर होने के बावजूद उसे वो हाथ में नहीं मिलेगी। इनफैक्ट कोई भी उस पेंटिंग को डाउनलोड भी कर सकता है, लेकिन उसकी ओनरशिप ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड है, तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ बायर यानी कि ऐशिका के पास ओनरशिप होगी, लेकिन कॉपीराइट और रिप्रोडक्टिव राइट्स अभी भी मजनू भाई यानी कि क्रिएटर के पास है।
वो चाहे तो अभी भी उसके प्रिंट्स बेच सकते हैं। यूजली एनएफटी की मदद से डिजिटल आर्टवर्क के अलावा भी बहुत कुछ बेच सकते हो, जैसे कि कॉन्सर्ट टिकट्स, डोमेन नेम, रियल एस्टेट और ऐसा कुछ भी जो यूनिक हो या फिर जिस चीज में ओनरशिप का प्रूफ चाहिए। मैं चाहूँ तो इस वीडियो की भी एनएफटी कर पैसे कमा सकती हूँ, जबकि ये पूरी तरीके से फ्री है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली। इसी बात पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो कमेंट्स में अपने फीडबैक्स और क्यूरीज लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय।